अध्याय 3 माँ का साथ और शिक्षा। दुनिया में अगर कहीं सच्चा प्रेम है तो वह सिर्फ माँ का आंचल ही है, जहाँ पर छिपकर बच्चा दुनिया की हर एक मुसीबत से अपने को महफूज जानता है। फिर माँ बच्चे की प्रथम पाठशाला भी होती है। माँ और पापा ही सबसे पहले शब्द होते हैं किसी भी बच्चे के मुख से निकलने वाले, जिन्हें बच्चे को माँ सिखाती है। इसीलिए माँ को प्रथम पाठशाला कहते हैं। बच्चे को संस्कार भी माँ ही देती है। फिर माँ अगर बालकाल में ही बच्चे को अकेला छोड़कर परम धाम चली जाए तो उस बच्चे के मानस पटल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह बात तो वह बालक ही बेहतर जान सकेगा जो मातृत्व प्रेम से वंचित हो गया हो। घर सब प्रकार से समृद्धशाली हो, पर घर में माँ ना हो तो घर किसी शमशान से कम नहीं लगता। बच्चे का सच्चा ईश्वर तो माता ही होती है। बच्चे की माता ही तो बचपन में धार्मिक प्रेरणा का स्रोत होती है। जैसे अपने दादा गुरु जी की माँ उनको रामायण और गीता सुनाया करती थी, वैसे ही गुरु महाराज की माँ भी उनको रामायण, गीता और धार्मिक कहानियाँ सुनाया करती थी। पर ईश्वर को शायद यह मंजूर ना था, तभी तो सिर्फ 4 वर्ष की आयु में ही गुरु महाराज जी की माँ को अपने पास बुला लिया। यहाँ पर साधक बंधुओं को जानकारी देना आवश्यक है कि अपने गुरु महाराज जी और परम पूज्य पंडित जी महाराज जी दोनों की माँ 4 वर्ष की आयु में ही छोड़कर चली गई थी, और अपने दादा गुरु जी की माँ 7 वर्ष की आयु में छोड़कर परमधाम को चली गई। साथियों, रामस्वरम भजन माला में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हमने अपने चैनल पर परम पूज्य परम भागवत जी की जीवन यात्रा, परम पूज्य देवता जी की यश गाथा के नाम से अपने चैनल पर डाली है। श्री गुरु महाराज जी की जीवन यात्रा दिव्य पुरुष डॉक्टर चतुर्वेदी साई जी के नाम से डाली, और ठाकुर राम सिंह जी थानेदार साहब की जीवन यात्रा कोयले की खदान में हीरा मिला शीर्षक से डाली है। आप सभी लोग ये सुन सकते हैं। साथ ही हमने अपने चैनल पर बहुत ही चुनिंदा भजन डाले हैं, जैसे रे मन चलिए गुरु के द्वारे, तेरे कदमों की धूल मिल जाए, गुरुदेव दया करके, और भी इस तरह के कई अच्छे भजन डाले हैं। एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी, तो जब वीडियो अपलोड होगा वो आपको मिल जाएगा। श्री गुरु महाराज जी की माँ के स्वर्गवास के बाद उनकी भावी माँ ने उनका लालन पालन किया और उनको उच्च आदर्श जीवन के संस्कार ना प्रदान किए होते तो हम शायद इस आनंद गंगा में डुबकियाँ ना लगा रहे होते। इसीलिए उन भावी माँ को प्रणाम के साथ साथ चरण वंदन करना अति आवश्यक हो जाता है। जो लोग अपनी भाभी पर गलत नजर या द्वेष रखते हैं, उनको श्री गुरु महाराज जी से भाभी माँ के लिए आदर्श विचार सीखने चाहिए। वही तो थी जिन्होंने हमें वह वृक्ष तैयार करके दिया, जिसकी शीतल छाया में आज रामाश्रम सत्संग फल फूल रहा है। क्या यह बात हम भूल सकते हैं? कतापि नहीं। यह भारत भूमि तो आदिकाल से ही आध्यात्म की जननी रही है। महर्षि परशुराम,
महर्षि वाल्मीकि, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद जैसे ऋषि हुए, उसी क्रम में हमारे श्री गुरु महाराज जी भी हुए, जिन्होंने अपने गुरुदेव श्री रामचंद्र जी महाराज फतेहगढ़ से जो ज्ञान का प्रकाश प्राप्त किया, उसे दुनिया के हर क्षेत्र में भरपूर फैलाया। मनुष्य की संतप्त दशा देख उनकी करुणा उमड़ आई और उन्होंने मानव मात्र को उसके आंतरिक बंधनों से मुक्त कर शांति प्रदान करने की ठानी। उनका कहना था कि पहले तुम अपने अंतकरण को शुद्ध करो, इसके शुद्ध होते ही तुम्हें उज्जवल ज्ञान मिलेगा, जिसके प्रकाश में तुम अपने दुखों को जानोगे और उनसे छूटने का प्रबंध भी स्वयं कर सकोगे। इसके लिए नित्य कुछ देर प्रभु की समीपता करो, 10 मिनट भगवान के सामने बैठकर उनसे शक्ति प्राप्त करो। जब तक ऐसा नहीं करोगे तो स्वयं शक्तिवान नहीं हो सकोगे। शक्ति मिलते ही तुम में निर्भयता आएगी, जिससे अत्याचारों से स्वयं बच सकोगे और दूसरों को भी बचा सकोगे। आपने बताया मनुष्य में ज्ञान और बल सीमित है, इस वजह से तुम हार भी सकते हो, परंतु भगवान तो ज्ञान के निधान हैं, वह अनंत बलवान है। जो कोई उनसे मिलेगा, उनका सहारा लेगा, अनंत बलशाली हो जाएगा और अनंत ज्ञान का भंडार बन जाएगा। इसलिए साथ मिलकर कुछ देर प्रभु में विलीन हो जाओ, अपना अस्तित्व प्रभु में विलीन कर दो, फिर देखो कि विश्व में कौन तुम्हारा सामना कर सकता है। शिक्षा, जैसा कि हम सब जानते हैं, किसी भी बालक की प्रथम पाठशाला तो उसका घर ही होता है। गुरु महाराज जी ने भी प्रारंभिक शिक्षा घर में ही ली। उस जमाने में उर्दू, फारसी और अंग्रेजी का बोलबाला था, इसलिए एक मौलवी साहब को पढ़ाने के लिए पिताजी ने नियुक्त कर दिया था। स्वभाव के अनुसार आपको हिंदी और संस्कृत में अधिक रुचि थी, इसीलिए उर्दू, फारसी और अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी और संस्कृत भाषा का भी ज्ञान प्राप्त किया। समय के साथ संस्कृत का ज्ञान और बढ़ता गया। प्राथमिक शिक्षा के बाद आपका दाखिला एटा हाई स्कूल में करा दिया गया, जहाँ पर आपने अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त की। शिक्षा पूरी करने के बाद आपको जिज्ञासा हुई किसी प्रकार देश का भला किया जाए। गुलामी का दौर था, विदेशी शासन ने देश की जनता को अनपढ़, मूर्ख और अविवेकी बना दिया था। शिक्षा के अभाव में पाठशाला तो सिर्फ नाम मात्र को ही थी और जो पाठशाला थी वह अंग्रेजी या अरबी, उर्दू और फारसी की थी। हिंदी और संस्कृत को पढ़ाने वाला कोई नहीं था। हिंदू संस्कृति को नष्ट करने में कोई कमी नहीं की गई, हर संभव प्रयास किया गया था। आज जो लोग हिंदी बोलने में शर्म महसूस करते हैं, उनको लाखों करोड़ों वीर शहीदों को याद करना चाहिए, जिन्होंने 10वीं शताब्दी में अरबियों से लेकर अंग्रेजों से लड़कर अपने प्राणों की आहुतियाँ दी। जब उनकी कुर्बानी छोटी दिखने लगे, तब हिंदू होने पर शर्म और अंग्रेजी बोलने पर गर्व महसूस करना। अंग्रेजी सिर्फ एक भाषा है, उसका कोई विरोध नहीं, विरोध तो हिंदू होने पर शर्म महसूस करने का है। दादा गुरु जी के समय का एक दृष्टांत याद आ गया, शायद आप सभी को अच्छा लगेगा। अपने दादाजी के गुरु तो मुस्लिम समुदाय के महान सूफी संत थे,
हजरत जनाब मौलाना शाह फजल अहमद खान नाम था। अपने दादाजी ने तो अपने को बड़े दादाजी फजल अहमद खान साहब में फना कर दिया था। उनकी सोच थी मैं अंदर और बाहर दोनों तरफ से अपने गुरु जैसा ही हो जाऊं। गुलामी का दौर तो था ही, अंग्रेजों के साथ मुस्लिम कट्टरपंथी भी हिंदुओं को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। उन्हीं कट्टरपंथियों को दादाजी का बड़े दादाजी के पास आना पसंद नहीं था। दादाजी बड़े दादाजी के अति प्रिय शिष्य थे। दोनों में पिता पुत्र का संबंध था। बड़े दादाजी दादाजी को पुतुलाल कहकर ही बुलाया करते थे। एक बार किसी कट्टरपंथी ने दादाजी से कहा, जब तक धर्म नहीं बदलोगे तब तक रूहानी ताकतों में तरक्की नहीं कर पाओगे, तुमको धर्म बदल लेना चाहिए। दादाजी ने जाकर बड़े दादाजी से कहा, हुजूर अगर आपका आदेश हो तो मैं धर्म परिवर्तन कर लूं, मैं वैसे ही आपका ही हो चुका हूं, मैं पूरे परिवार के साथ धर्म परिवर्तन कर लेता हूं। अभी बात पूरी हो भी नहीं पाई थी कि बड़े दादाजी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। आपने पूछा, तुमसे ये बात किसने कही? अपने दादाजी सीधे तो थे ही, स्वभाव से भी भोले इंसान थे। छल कपट न जानते थे न समझते थे। उन्होंने उन साहिबान का नाम बता दिया। बड़े दादाजी का गुस्सा काबू के बाहर था। ये बातें सुनकर उन्होंने वहीं से उन साहब को जोर से आवाज लगाई और बुलाकर जोर से डांटा। बोले, यही सीखने आते हो हमारे पास? जाओ, आज के बाद दोबारा अपने शक्ल मत दिखाना। उसके बाद दादाजी को समझाते हुए बोले, बेटा पुतुलाल, तुमने जिस धर्म में जन्म लिया है सबसे पहले तो उस धर्म पर गर्व करना सीखो, उसके बाद उसी धर्म की रीति रिवाज से जीवन यापन करो। रही बात रूहानी ताकतों की, यह तो आध्यात्म विद्या है जो एक हृदय से दूसरे हृदय तक पहुंचती है। इसमें धर्म बाधक नहीं है। सच्चे और समर्थ गुरु की यही पहचान होती है। उनके लिए धर्म और मजहब की दीवारें होती ही नहीं है। वह तो समाज का कल्याण करने आते हैं, फिर संसार से पर्दा कर लेते हैं और फिर अदृश्य रूप से अपने अनुयायियों तक शक्ति पहुंचाते रहते हैं और उनका कल्याण करते रहते हैं। इतने महान दृष्टांत के बाद मैं हिंदू होने पर गर्व महसूस ना हो तो फिर वही सोचें कैसे और किस धर्म में जन्म लेना पर गर्व होगा। अब कहानी में आगे चलते हैं। सहस्त्रों वर्षों से पराधीन रहने के कारण लोग भयभीत और बलहीन हो गए थे। उस समय अंग्रेजों का शासन था। परम पूज्य पंडित जी महाराज लिखते हैं, अंग्रेजों का शासन इतना कड़ा और भयंकर था कि कोई चू भी नहीं कर सकता था। अविद्या के कारण हिंदू मुसलमान में नित्य झगड़ा हुआ करता था। सब दुखी थे। देश की ऐसी दुखमय दशा को देखकर गुरु महाराज जी का हृदय भर आया और इससे बचने का उपाय सोचने लगे। यह विचार हृदय में तरंगे ले रहे थे कि उन्हीं दिनों आपको अपनी ननिहाल फतेहगढ़ जिला फर्रुखाबाद जाना पड़ा। कुछ समय आप वहाँ रहे और वहीं आपने इलेक्ट्रो होम्योपैथी का ज्ञान प्राप्त किया। गुरु महाराज जी के पिताजी को आयुर्वेदिक का अच्छा ज्ञान था, अतः आयुर्वेद का ज्ञान तो गुरु महाराज जी को विरासत में ही मिल गया था। यह सब सीखकर श्री गुरु महाराज जी ने देश सेवा करने का विचार किया और लोगों की सेवा की भी, जिसे आगे के अध्यायों में बताएंगे। इसके साथ ही
तीसरा अध्याय समाप्त।